गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर हिंदी टीचर सविता मौर्य। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू लेसन पार्ट 16, जगदीश चंद बसु। आज हम अपना नया लेसन जगदीश चंद बसु पढ़ेंगे। इस पार्ट में जगदीश चंद बसु की जीवनी वर्णित है, यानी कि इस लेसन में जगदीश चंद्र बसु की जीवनी यानी कि उनके जीवन के बारे में बताया गया है, जिन्होंने पता लगाया कि पेड़ पौधों में भी हमारी तरह प्राण होते हैं। जगदीश चंद्र बसु में बचपन से ही नई बातें जानने और समझने की लगन थी। तो बच्चों आइए हम इस लेसन को पढ़ते हैं और समझते हैं। संध्या का समय था, एक बालक अपने बगीचे में गेंद से खेल रहा था। गेंद उछलकर लताओं में अटक गई। बालक एक लकड़ी से उसे गिराने लगा। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा पौधे सो गए हैं, उन्हें मत जगाओ, गेंद सवेरे निकाल लेना। माँ की बात सुनकर बालक सोचने लगा कि अगर पौधे हमारी तरह सोते जागते हैं तो उनमें भी हमारी तरह प्राण होते होंगे। पौधों को पानी देते समय वह सोचता, क्या पौधे पानी और भोजन पाकर प्रसन्न होते हैं? क्या आकाश में उमड़ते बादलों को देखकर उनके मन में भी आनंद से नाच उठता है? फूलों को तोड़ लेने पर या आंधी में डालियों के टूटने पर पेड़ पौधों को भी दुख होता होगा? यही बालक जब बड़ा हुआ तब उसने पेड़ पौधों के बारे में कई विचित्र बातों का पता लगाया। उसने खोज की कि पेड़ पौधों के जीवन की बहुत सी बातें हमारी ही तरह होती हैं। इस नई खोज से संसार आश्चर्यचकित रह गया। इस बालक का नाम था जगदीश चंद बसु। जगदीश चंद का जन्म 30 नवंबर 1858 में ढाका जिले के मेमन सिंह अब बांग्लादेश में है नामक स्थान पर हुआ था। बालक जगदीश पहले अपने गांव की पाठशाला में पढ़ने गया। पाठशाला में किसानों के बेटे उसके साथी थे। किसान के बालक खेती बाड़ी और पौधों के बारे में बात करते रहते। इससे बचपन में ही जगदीश चंद्र की रुचि पेड़ पौधों में हो गई। 13 वर्ष की उम्र में जगदीश चंद्र बसु को कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा गया। वहाँ की पढ़ाई समाप्त कर वे इंग्लैंड चले गए, जहाँ उन्होंने विज्ञान की उच्च शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई समाप्त करके जगदीश चंद बसु अपने देश लौट आए। यहाँ आते ही कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त हो गए। उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का राज्य था। जगदीश चंद को अंग्रेज अध्यापकों से बहुत कम वेतन दिया गया। इससे बसु के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंची। उन्होंने कहा कि या तो मुझे पूरा वेतन दिया जाए या मैं बिना वेतन के ही काम करूंगा। 3 वर्ष तक वे बिना वेतन के कार्य करते रहे। अंत में कॉलेज के अधिकारियों को ही झुकना पड़ा। उन्हें अंग्रेज अध्यापकों जितना वेतन मिलने लगा। जगदीश चंद की सबसे अद्भुत खोज पेड़ पौधों के विषय में है। उन्होंने पता लगाया कि पेड़ पौधों में प्राण होते हैं। वे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं, परंतु लोगों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। डॉक्टर बसु ने इस बात को सिद्ध करने का निश्चय कर लिया। इसके लिए उन्होंने कई यंत्र बनाए, जैसे पौधों की वृद्धि नापने का यंत्र, चोट लगने और मरते समय पौधों के कंपन को दिखाने का यंत्र। डॉक्टर बसु ने पौधों के कष्ट और उनकी मृत्यु के दृश्य पर्दे पर दिखाए। उन्होंने जीवित पौधों में विद्युत की एक हल्की सी लहर दौड़ाई। पर्दे पर पौधों का कांपना और तड़पना साफ साफ दिखाई देने लगा। धीरे धीरे पौधा निर्जीव हो गया। यह देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। वनस्पति जगत की इन खोजों के कारण डॉक्टर बसु विश्व भर में प्रसिद्ध हो गए। वे पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिनका नाम भारत में ही नहीं विश्व भर में फैल गया।
लंदन विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। पेरिस में डॉक्टर बसु का व्याख्यान सुनने वालों में स्वामी विवेकानंद भी थे। जब हाल तौलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा तो उन्होंने डॉक्टर बसु को गले से लगा लिया और भारत का वीर पुत्र कहकर उनकी प्रशंसा की। पेड़ पौधों के विषय में डॉक्टर बसु की इन खोजों से जर्मन वैज्ञानिक इतने प्रभावित हुए कि वे उन्हें एक पूरा विश्वविद्यालय सौंपने को तैयार हो गए। परंतु डॉक्टर बसु ने उनसे कहा, मेरा कार्य क्षेत्र भारत ही रहेगा और मैं अपने देश के उसी महाविद्यालय में काम करता रहूंगा जिसमें मैं उस समय काम करना शुरू किया था जब मुझे कोई जानता भी नहीं था। यह था डॉक्टर बसु का देश प्रेम। तो बच्चों, ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। इस लेसन में बस इतना ही। अगला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।